भाई मैं तुझे बोला था पहले ही, तेरे बस की बात नहीं है ये, लेकिन तू ही बोला मुझे करना है, मुझे करना है। अब कर, अब तेरी नहीं है बस की बात, तुझसे नहीं होगा, इससे अच्छा कुछ और कर ले, टाइम वेस्ट मत कर अपना। हाँ अब सही है। हाय गाइस, दिस इज मी शिवा। भूल गया यार मैं, नहीं हो रहा यार, मैं इतना बार ट्राई कर चुका हूँ, कोई मेरी वीडियोस क्यों दिखेगा भला, जब इनके पास इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखेगा, उनको कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा, मेरे पास ये डब्बा सा है, आपके पास बैकग्राउंड क्या है ये? कहीं यार मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना इन सब चीज़ों में, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता या कुछ और कर लेता। क्या मेरा डिसीजन सही है क्या? क्यों कुछ ऐसे सीन्स थे जो हम सबके साथ होते हैं हमारी लाइफ के स्टार्टिंग में, पर आपको पता है लाइफ का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग वेरी सीरियसली इन योर लाइफ एंड यू फेल, अगेन यू ट्राई एंड अगेन यू फेल, और ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाए ना तो यार बहुत परेशानी होती है, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कभी कभार तो रोना भी आता है, राइट? अगर आप भी इस स्टेज में हो तो मैं आज आपको बताऊंगा चार ऐसी चीज़ें विच हैपन्स वेन यू ट्राई टू डू समथिंग वेरी हार्ड इन योर लाइफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गाइज यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर सेम, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग विच हैपन्स विद एवरी वन, वेन योर वर्क डोंट वर्क लाइक एज यू वॉन्ट, जैसा काम आपको चाहिए वैसा ना हो, लाइक आपको वीडियोस पे व्यूज चाहिए पर आ नहीं रहे, आप दिन रात एक सवाल के पीछे लगे हुए हो और लेकिन उसका आंसर आपको मिल नहीं पा रहा है, आप आखिरी स्टेज पे रुक जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करूँ, आपको जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, आपका मन उस समय चिड़चिड़ा सा होगा, यू फील लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ एनी वन, यू फील डिस्गस्टिंग, आपको बहुत सारा गुस्सा भी आएगा। एट दिस पॉइंट यू नीड टू बी काम, डू यू नो वॉट, गुड थिंग्स टेक टाइम, सो बी काम एंड पॉजिटिव, होगा जरूर होगा। द सेकेंड थिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, डीमोटिवेशन, जो आपको एक टाइम बाद तो इतना ज्यादा हो जाएगा यू फील लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, मैं नहीं कर रहा ये सब, बहुत हो गया यार, थक गया हूँ, आई एम क्विटिंग, मैं छोड़ रहा हूँ ये सब। बट हेयर यू नीड टू लर्न पेशेंस, हेयर यू नीड टू रिमेंबर ऑल योर स्टार्टिंग डेज, व्हाई यू स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, फॉर हूम, फॉर वॉट, बाय रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स यू फील लिटिल पॉजिटिविटी फ्रॉम योर इनर साइड, बिलीव मी इट विल डेफिनेटली गोना वर्क, ट्राई इट वंस। द थर्ड थिंग जो मेरे साथ तो अक्सर होती है, रैंडमली समटाइम्स यू गेट फेलियर थ्रेट्स, कहीं यार मैं औरों के मुकाबले पीछे रह गया तो क्या मेरा कंटेंट किसी को पसंद भी आएगा, क्या कोई मेरी वीडियोस देखेगा भी? सो गाइस डोंट वरी, ये सबके साथ होता है क्योंकि लाइफ में सक्सेस सबको चाहिए, तो लाइफ के अंदर ये चीज़ें होती रहती है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ समय के लिए होता है, अगर ज़्यादा समय के लिए रह जाए तो इट्स बेटर कि आप किसी से बात कर लें, पर इट्स नॉर्मल, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में ये सब चलता रहता है, सो बी चिल। द फोर्थ थिंग, देयर आर सम फूल्स आउट देयर हु कीप्स टेलिंग यू, अबे तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा ये, मैंने तो बोला ही था इसकी जगह और कुछ कर ले, तुझसे नहीं होगा ये सब, समझ ले मेरी बात। क्या पागलपंती लगा रखी है, क्या करता रहता है यूं ऐसे, पता नहीं क्या कौन सी वीडियो बनाता है, तो अब बोलेगा बताएगा, अरे कोई सुनेगा भी तेरी बात? नहीं सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा, मत कर ट्राई। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अपना डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो आप कर रहे होते हो, सो इसका एक ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आप इन लोगों को इग्नोर करो, बिकॉज आप ये तो नहीं कर सकते कि उसकी मुट्ठी जाके धैं उसको मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप एक ऑप्शन है कि उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये चीज़ आप सीख गए तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस इमेंसली हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपको हेटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। स्टिल अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी, वो कहते हैं ना कि काले बादल छट जाते हैं धीरे धीरे करके, वैसा वैसा कुछ कुछ समथिंग समथिंग लाइक,
मुझे सही से नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, काले बादल धीरे धीरे करके छट जाते हैं। तो गाइज, सो बी काम, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड इन्जॉय योर लाइफ। अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है या फिर अगर फिलहाल अभी आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वहीं पर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी, आपने किस तरीके के मेथड को यूज़ करके उससे छुटकारा पाया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मोटिवेट ईच अदर गाइज, बिकॉज वी ऑल आर स्ट्रगलर्स, राइट? सो लेट्स कीप मोटिवेटिंग ईच अदर। और वहीं पर गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और साथ ही साथ उस बेल आइकन घंटी को दबा देना ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दें। और वहीं पर आकर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वहीं पर गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हो, यहाँ तक बने हुए हो, थैंक यू सो मच। और वहीं पर अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, नेक्स्ट टाइम, बाय।